कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन से पहले सियासी टीकाकरण का जो खेल है ना, दौर है, वो शुरू हो चुका है। वैक्सीन के बाजार में उतरने से पहले ही इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का डोज दिया जाने लगा है। वैक्सीन को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने मांग की है कि सबसे पहले पीएम मोदी वैक्सीन लगवाएं। कल डीसीजीआई ने कोरोना की दो वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी, लेकिन उससे पहले ही वैक्सीन को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई थी। पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी से जोड़ दिया, फिर उनकी पार्टी के एक नेता ने नपुंसकता का भ्रम फैलाने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं ने भारत बायोटेक की वैक्सीन पर सवाल उठाया और इससे पहले धार्मिक संगठनों ने भी वैक्सीन पर सवाल उठाया था, लेकिन डीसीजीआई ने सभी अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए वैक्सीन को पूरी तरह से सुरक्षित बताया है और वैक्सीन पर अब पॉलिटिकल डोज भी दिया जाने लगा है। और देखिए, वैक्सीन को लेकर यह सियासीकरण क्यों हो रहा है, क्यों उस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्यों नहीं हमारे वैज्ञानिकों की जो मेहनत है उसकी सराहना की जा रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता संजय मयूख हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरा बड़ा सवाल यह है, आखिर सियासीकरण हो क्यों रहा है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? नमस्कार। नहीं नहीं, ये तो एक सस्ती लोकप्रियता का माध्यम बना लिया है कांग्रेस के लोगों ने। ये कैसी लोकप्रियता है, किस तरह की बात कर रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये जो वैक्सीन है ये संवेदना का विषय है। कहीं ना कहीं यह विषय जो है, ये विश्व जिस आपदा से लड़ रहा है उसमें भारत को तो गर्व होना चाहिए कि अपना वैक्सीन बन गया है, और इस पर लगातार लोगों को प्रेरणा देने का काम करना चाहिए। तो ये कांग्रेस के नेता राजनीति कर रहे हैं। भाई मत करिए, मत करिए कोरोना पे राजनीति। क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के पालन के लिए लोगों से कहा था, सबने पालन किया, और सब जो लड़ाई हमने लड़ी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की विश्व ने भूरी भूरी प्रशंसा की। अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, तो चाहे शशि थरूर जी हो, चाहे वो बिहार के नेता अजीत शर्मा जी हो, ये सब लोग केवल बयानों से बने रहना चाहते हैं, चाहे अखिलेश यादव जी हो। मेरा मानना है बयानों से मत बनिए, जनता की सेवा में लगिए। नहीं तो ऐसा वैक्सीन दिया है भारत की जनता ने आपको कि आप लंबे समय तक राजनीति के हाशिए पर रहिएगा। जवाब ले लेते हैं, बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा जी भी जुड़ गए हमारे साथ। संजय मयूख जी, एक बार जवाब ले लेते हैं, क्यों सियासीकरण कर रहे हैं अजीत जी आप लोग वैक्सीन का? ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा कि नव वर्ष की शुरुआत के साथ वैश्विक महामारी कोरोना वैक्सीन आना हर्ष की बात है, लेकिन मैंने ये कहा है भारत की दो कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सर्वप्रथम टीका लगवाकर जनता को विश्वास में लिया, मेरा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को भी इस वैक्सीन का डोज लेकर जनता को विश्वास में लेना चाहिए, ताकि लोग वैक्सीन लेने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। भाजपा द्वारा यह भ्रष्टाचार दुष्टाचार प्रचार करना कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों कंपनी भारत में कांग्रेस काल में स्थापित हुई थी, ये दोनों कंपनियां बधाई के पात्र हैं। साइंटिस्ट पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है, कर रहे हैं आप लोग किसी कंपनी पर कोई सवाल। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो कभी नहीं बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों राष्ट्र अध्यक्षों ने, रूस और अमेरिका ने पहले वैक्सीन लिया। यहाँ कभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पहले वैक्सीन लेना चाहिए, ताकि जनता को विश्वास हो कि उन्होंने जब लिया तो हम लोग को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लेना चाहिए। यह मैंने कहा है, कभी इसका जवाब ले लेते हैं, उसी की बात है इस नव वर्ष में कि वैक्सीन का इजाज हुआ है। अजीत जी, संजय मयूख साहब हमारे साथ जुड़े हुए, वही देंगे इसका जवाब। देखिए, ये सुझाव देने के समय तो इटली भाग जाते हैं, समय समय पर पिकनिक पार्ट मनाने ये लोग निकल जाते हैं। वैसी स्थिति में सीधे तौर पे हम कहां कह रहे हैं, हम सेहरा बांधना नहीं चाहते, हम इसका श्रेय लेना नहीं चाहते। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यह वैक्सीन देश की कंपनियों ने बनाई है, और इस देश की कंपनियों ने जब बनाई है तो लोग लेंगे, इनके सुझाव से नहीं लेंगे, और किनको लेना है किनको नहीं लेना है ये सब कुछ खुद ब खुद लोग जानते हैं, स्वमेव जानते हैं। लेकिन इनको तो राजनीति करनी है, कभी इटली से राजनीति करते हैं, कभी बिहार में बैठ के राजनीति करते हैं। मेरा कहना है ये बिल्कुल मानसिक दिवालियापन है कांग्रेस का।
कांग्रेस को कम से कम कोरोना जैसे विषय में कहीं से राजनीति नहीं करनी चाहिए, और इनको तो राहुल गांधी साहब से भी पूछना चाहिए युवराज हैं कहाँ, किन किन विषयों पर चर्चा करते हैं। और भारत की जनता है, भारत की जनता ही नहीं अपितु विश्व की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को सराहा है। आप हंस रहे हैं, जरूर हंसिएगा, क्योंकि आप तो लॉकडाउन का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन विश्व ने जिस तरह से शाबाशी दी लॉकडाउन के बारे में, चाहे प्रयासों के बारे में, और आपको शायद जानकारी नहीं होगी अजीत शर्मा जी, अभी दो दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को अव्वल रेटिंग मिली है। अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सारे चीजों को जान लीजिए। संजय जी, अजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं। कहिए कहिए अजीत जी, अपनी बात कहिए। आप वैक्सीन की बात कीजिए, नहीं मैं उनको कह रहा हूँ पहले वैक्सीन की बात कीजिए, क्या क्या किए तो फिर तो बताने लगेंगे क्या आपने 14 में क्या क्या वादा किए थे। तो नहीं नहीं, आप तो अभी बात किए राहुल जी दिल्ली गए कि आप नरेंद्र मोदी जी क्या कहे, नहीं नहीं आप ये गलत बात बोल रहे हैं। आप वैक्सीन की बात, मैंने ये कहा है कि जो कंपनियां ने बनाया है, आपको कंपनी का नाम मैंने बोला था कि जो बायोटेक की कोवैक्सीन कंपनी और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड कंपनी ने जो बनाया, ये कांग्रेस के टाइम में स्थापना हुआ था। आप बवाई ले रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, पूरे संसार में बना है वैक्सीन, यहाँ भी बना है। मैंने ये कहा है जैसे जैसे मैंने पहले ही कहा, श्रेय लेने की राजनीति हम नहीं करते हैं, हम सेवा की राजनीति करते हैं। आप युवराज को श्रेय देना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी टीका ले और जनता को विश्वास। हम श्रेय लेने की राजनीति नहीं करते, हम तो कहते हैं थोड़ा अध्ययन करिए अजीत शर्मा जी, विश्व के सारे अखबारों ने जो लिखा है उसके बारे में अध्ययन करिए। भैया भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बिल्कुल अध्ययन किया हुआ है, कांग्रेस को आईना मत दिखाइए, सूरज को दिया मत दिखाइए, 70 वर्ष में जो भी हुआ है कांग्रेस ने काम किया है। आपको अभी 6 वर्षों से है, आप मत लीजिए श्रेय, भारत की जनता की और भारत के वैज्ञानिक भैया ये शाबाशी के पात्र है। बिल्कुल नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्ट ने बनाया और ये दोनों जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये कांग्रेस के टाइम में स्थापित हुआ था। नहीं जानकारी है, मुझे लग रहा है नहीं जानकारी है, देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में तो विश्व बता रहा है, आप चले जाइए, विश्व का हर एक संस्था बता रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के बारे में विश्व की सारी संस्थाएं बता रही है, अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन के अलावा भारत ने भी वैक्सीन बनाई है, तो ये तो विश्व बता रहा है। कोई प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनाया है, कोई प्रधानमंत्री जी सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और बायोटेक की कोवैक्सीन ने वैक्सीन बनाया है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं पूरी जनता, जैसे कि अमेरिका और रशिया में प्रेसिडेंट ने पहले टीका लगवाया वैसे नरेंद्र मोदी जी लगाए। अजीत शर्मा जी, अजीत शर्मा जी, 70 वर्षों से आप कुंडली मारकर बैठे थे तो आपके कुशासन का अंत किया गया, तो उसमें राहुल गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबको बाहर किया गया। अब जब इस देश ने कोरोना वैक्सीन बनाई है तो यदि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, तो ताली जब मिल रही है, जब शाबाशी मिल रही है, तो विश्व भारत के प्रधानमंत्री को भी शाबाशी दे रहा है और भारत के वैज्ञानिकों को भी शाबाशी दे रहा है। इस शाबाशी में आपको भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये मानवीय संवेदना का विषय है। आप बिल्कुल लोकतंत्र में, आपको नहीं पता, आप केवल एक राजमहल से जुड़े हैं। लोग बिल्कुल गलत बोल रहे हैं इस शब्द का। आप लोकतंत्र में सत्ता पे आना जाना लगा रहता है और आप इसका जो बोल रहे हैं, जनता इसका आपको जवाब देगी और 2024 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी और देश को 70 साल में जो विकास किया, सेवा में लगे हैं। आप श्रेय लेने की होर में हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सेवा में लगे हैं। बिल्कुल होर नहीं, आप थाली पिटवा रहे हो, आप शाबाशी दे रहे हो, हर कार्यालय में वहाँ भोज मिठाइयाँ बट रही है, साइंटिस्ट को दीजिए ना मिठाई। हम तो कह रहे हैं, जब आप बार बार कह रहे हैं कि हमने बनाया, कंपनी भी आप बना रहे हैं, कौन से इंजीनियर आप हैं मुझे पता नहीं चलता, भारत के प्रत्येक नागरिक का भारत के विकास में योगदान है, गलत कर रहे हैं आप बना रहे हैं। बिल्कुल बेलाइन जमीन का इंस्टीट्यूट की स्थापना, मुझे एक बात बताइए अजीत जी, संजय जी, आप दोनों से मेरा सवाल है,
अजीत जी, संजय जी, आप दोनों से मेरा सवाल है। अजीत जी का सवाल है कि दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने वैक्सीन लगवाई, पीएम लगवाएंगे या नहीं लगवाएंगे। मैं आप दोनों से ये सवाल कर रहा हूँ, कांग्रेस नेता, बीजेपी के नेता वैक्सीन लगवाएंगे या अपने वैज्ञानिकों पर? बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं हमें विश्वास है, कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं, आप दोनों से ही मैं जानना चाहता हूँ। मयूख, संजय जी आप जवाब दीजिए पहले। फिर हमने तो आग्रह ही किया है, हम तो लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। इनको ना अखिलेश यादव जी से ट्यूशन पढ़ना है कि कोरोना वैक्सीन क्या है, भाजपा का वैक्सीन है। ये भाजपा का वैक्सीन नहीं है, ये भारत का वैक्सीन है। और भारत जिस तरह से कोरोना से लड़ रहा है उसमें काफी लाभकारी होगा, हितकर होगा, ऐसा हम आह्वान कर रहे हैं। लेकिन ये लोग भ्रम जाल फैला रहे हैं, भ्रम का वातावरण फैला रहे हैं। इससे हमारे देश की जनता को बचना है, तो क्योंकि ये तो जो सपा और कांग्रेस नेता है ये मिलजुल कर इस पर राजनीति। अहम बात आप कह रहे हैं, अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसी से जुड़ी देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो अभी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उनका कहना है कि अभी वैक्सीन की जरूरत फ्रंटलाइन वर्कर्स को है। ये कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है। कोरोना के वैक्सीन का टीकाकरण, उसकी तैयारियां सबने अपने अपने स्थान पर की होगी, तो उसकी योजना ढंग से तैयार हो जाए। और जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, और जैसे मैंने तय किया कि मैं वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे, इसके बाद अपना नंबर आए, तो जो प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं उनको लग जाए। उस व्यवस्था को भी बनाने में हम सबको जुटना पड़ेगा। संजय जी के पास मैं चलूं, उससे पहले अजीत जी मैं आपका रुख कर रहा हूं। एक लीडर ऐसा भी तो होता है ना जो ये कहता है कि पहले जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो वाकई लड़ रहे हैं, पहले उनको जरूरत है, पहले वो लगवाएं, फिर हम लगवाएंगे जब हमारी बारी आएगी, लेकिन पहले जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है वो लगवाएं। और यही काम शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को नहीं रहा, मैं कहा कि जैसे ही रूस और अमेरिका ने सबसे पहला उनके उनके राष्ट्राध्यक्षों ने लगाया, अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सबसे ये कहना है, वो भाग क्यों रहे लगवाने से वैक्सीन से? एक प्रधानमंत्री जी लगवा लेंगे तो किसी प्रधानमंत्री, जनता ने चुना है, आप लगा के एक मैसेज दीजिए, जनता आगे खड़ी होगी, सभी लोग वैक्सीन लेंगे पार्टी से ऊपर उठ के। तो आप क्या तभी यकीन करेंगे कि वैक्सीन ठीक है या नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीनेशन करवा लेंगे? आप ये बताइए कि आखिर अमेरिका सबसे अच्छी देश है, रूस है, उन लोग के राष्ट्रपति ने क्यों लगाया? आप क्यों लगवाने में डर रहे हैं? आप आगे बढ़िए, जैसे आप सब चीज कहते हैं जनता को ये रोजगार देंगे, पल्ला करेंगे, इसी तरह आप आगे बढ़िए। आप क्यों डर रहे हैं? मेरा तो मानना है ये दोनों साइंटिस्टों ने, दोनों इंस्टीट्यूट ने बहुत बढ़िया काम किया है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री आगे बढ़े, सब चीज में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें आपको लीडरशिप नजर नहीं आ रही है कि पहले जिनको जरूरत है वो लगवाएं फिर बाकी लोग लगवाएं? एक टीका, इतने टीका लगे, एक टीका अगर वो लगाएंगे पूरे देश में जनता आगे बढ़ के टीका लगवाएगी। ठीक है संजय जी, जवाब दीजिए। बस एक ही जवाब है मेरा, इनके यहाँ पहला अधिकार गांधी परिवार को होता है, इसीलिए रट रहे हैं ना, ये पहला अधिकार। और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय में भरोसा करती है, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे इस पर भरोसा करती है। तो हम और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है मैं प्रधान सेवक हूँ, तो पहले हम जनता की चिंता करेंगे तब स्वयं की चिंता करेंगे। लेकिन इनके यहाँ चिंता की जो बात होती है वो सबसे पहले स्वयं पर अप्लाई होता है, तो ये स्वयं पर अप्लाई करना चाहते हैं और हम जनता के साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारे प्रधान सेवक ने फ्रंटलाइन के बारे में कहा है, तो फ्रंटलाइन पे हम काम कर रहे हैं और जिनको जरूरत है उनके लिए हम लगे हैं। यह तो केवल गांधी परिवार के बारे में सोचते हैं। और मेरा सादर विनम्र निवेदन होगा, इस दकियानूसी एजेंडा को कांग्रेस चलाना बंद करे। संजय जी मुझे एक बात बताइए, लगातार विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है वैक्सीन को लेकर, कई अलग अलग नेताओं के बयान आ गए, आप भी देख रहे हैं। कल से हम लगातार एबीपी न्यूज पर देश के जाने माने एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं और सबका कहना है वैक्सीन सुरक्षित है, फिर बार बार ये कोशिश क्यों हो रही है? वैक्सीन के नाम पर ये राजनीति क्यों भड़काने की कोशिश हो रही है? इनको लॉकडाउन भी अच्छा नहीं लग रहा था, ये लगातार ताली बजाने, घंटी बजाने को ये नाटक करार दे रहे थे, लेकिन इनको जनता ने जवाब दे दिया है। लगातार
अब इसको हम चुनाव से नहीं जोड़ते, हम राजनीति से नहीं जोड़ते, लेकिन जो परिणाम आ रहे हैं वह भी बता रहा है स्पष्ट तौर पे कि कहीं ना कहीं भारत की जनता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इसलिए कम से कम आज भी आग्रह होगा, अभी भी राजनीति न करे। केवल यह भारत गांधी परिवार के लिए नहीं बना है, यह भारत भारत की जनता के लिए बना है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका संजय बिहुक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, हालांकि हमारा कनेक्शन उनसे नहीं हो पा रहा है, बहुत धन्यवाद उनका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।